दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि भारत के नए राष्ट्रपति अब जगदीप धनखड़ साहब बने हैं। जानते हैं जगदीप धनखड़ साहब के बारे में कुछ बातें, इनका संबंध जो है राजस्थान से, इसको लेकर पूरी बात करते हैं। इकहत्तर वर्षीय जो जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति जो है चुनित हो गए हैं या फिर होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को पराजित कर दिया। आंकड़ों के लिहाज से जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के हिसाब से बात करें, राष्ट्रपति चुनाव की तरह ये चुनाव भी जो है एकतरफा नज़र आ रहा था। और किसानी से लेकर वकालत तक का सफर तय करने वाले धनखड़ जो है देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति होंगे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के कैथाना गांव में हुआ था इनका जन्म। देश के प्रतिष्ठित वकीलों में शुमार रहे धनखड़ साहब। ये 1989 में जो है पहली बार चुने गए थे सांसद। वो राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से जो है ये ताल्लुक़ रखते हैं और राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। 18 मई 1951 को राजस्थान के छोटे से जिले झुंझुनू के कैथाना गांव में जन्मे जगदीप धनखड़ के देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प है। उनके पिता का नाम गोकुल चंद और माँ का नाम केसरी देवी है। जगदीप अपने चार भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल से जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, या उसके बाद उन्होंने राजस्थान के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज जयपुर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर फिजिक्स में इन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद जो है साल 1978 में जयपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स में इन्होंने एडमिशन लिया। जगदीप धनखड़ ने कानून की डिग्री लेने के बाद वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा यानी कि पद प्राप्त या फिर प्राप्त किया या ओहदा दिया गया। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की कई हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की है। साल 1988 तक वो देश के प्रतिष्ठित वकीलों में शुमार हो गए थे। 1989 में पहली बार ये सांसद बने। धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 वर्षों का है। साल 1989 में वो सक्रिय राजनीति में आए और इसी वर्ष 9वीं लोकसभा के लिए झुंझुनू से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार सांसद चुने गए। 1990 में वो चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी अपने हाथ आजमाए। 1993 से लेकर 1998 तक वो विधायक भी रहे। 2019 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने। 20 जुलाई 2019 को जो है धनखड़ साहब जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने। तो ये बात थी हमारे नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के बारे में। जानकारी कैसी लगे जरूर बताएं, इसे आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।